हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर व्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं एक और मस्त प्यारी सी वीडियो लेके। और गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, ओके, और थंबनेल भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज के वापस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ओके। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारी तबाही के ऊपर, यानी हमारी RS 200 के ऊपर, उसका 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू, ओके। पूरा रिव्यू दूंगा और गाइस जेन्युइन रिव्यू होगा, और लास्ट तक वीडियो देखना, वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो गाइस, हेयर इज RS, ये रही हमारी RS गाइस, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं गाइस पूरा जेन्युइनली रिव्यू दूंगा इसका 1 ईयर ओनरशिप, और मैं आपको किलोमीटर बता दूं कितने किलोमीटर चली है हमारी RS। देखो, इधर होगा 7721, यानी 7700 मान लो गाइस, इतनी किलोमीटर हमारी RS चली है। और ये गाइस, इसको ना 5 अप्रैल को ही हो गया था 1 ईयर। मैं वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ, ओके। तो गाइस, सबसे पहले ना हम इसकी जो बुरी चीज़ है ना उनकी बात करते हैं, ओके। फर्स्ट तो ये अपना टॉप टैंक कवर, ओके। इसको मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, इसको चेंज कराने से कोई मतलब नहीं है। देखो, ये जो इसके निशान है, देखो ये और बढ़ गया, पहले यहाँ तक था, अब ये और बढ़ गया। ये देखो, एक कट ये रहा, ये छोटा सा है, दिख रहा होगा आपको, एक कट ये रहा अपने, और यहाँ पे भी छोटे मोटे निशान वगैरह आ रहे हैं। तो गाइस, ये जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही बेकार है, बहुत ही वाहियात है, ये है इसकी पहली बुराई, ओके। दूसरी चीज़ है ना इसमें, ये है अपने चेन, RS की जो चेन है गाइस, इसको ना हर 500 किलोमीटर पे है ना अपने को चेन लूप करना ही पड़ता है, वरना देखो ऐसी हालत हो जाती है। अभी मैंने ना काफ़ी टाइम से इसके चेन लूप की या नहीं, ये देखो चेन की कैसी हालत हो गई, ये देखो इसके जो आसपास से ना ये चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, देखो पूरा हाथ वगैरह गंदे हो गए, पूरी चेन पे ना गाइस डस्ट ही डस्ट लग रही है, डस्ट ही डस्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, पूरी चेन पे डस्ट ही डस्ट लग रही है, पूरी चेन ख़राब हो रही है। देखो ये तो ऐसी होती नहीं है गाइस चेन, और अगर ये टूट गई तो गाइस कम से कम 3 से 3500 रुपये की चेन है, पूरा सेट ही लगेगा अपना, चेन सेट आएगा पूरा बजाज का। चलो बजाज का तो फिर भी सस्ता आता है, ये चीज़ अच्छी है, ओके। और गाइस, इसकी जो तीसरी चीज़ है वो है इसका, अपनी जो नई RS 200 BS6 BS7 मॉडल्स आ रहे हैं उनमें गाइस, मतलब BS6 BS7 मॉडल्स E20 में जा रहे हैं, मेरे वाले भी E20 है, ये BS6 है बस। अब जो BS7 वाले आ रहे हैं और BS6 वाले, दोनों में गाइस ये चीज़ कॉमन है कि आप लोगों को ना इसमें कम से कम 3 लीटर तो रखना ही पड़ेगा तेल। 3 लीटर से कम रखोगे तो जैसे अपन रेस वगैरह करते हैं, अभी कुछ भी करते हैं ना, एकदम से थ्रॉटल देते हैं, तो गाइस 3 लीटर से ऊपर होगा ना तब तो थ्रॉटल एकदम से बहुत अच्छे से प्यार से काम करेगा, जिस वजह से गाड़ी खींचेगी। और अगर इसमें 3 लीटर से तेल कम रहा तो गाइस बहुत ही धीरे धीरे करके उठेगी, बहुत ही धीरे धीरे, और धचके देके उठेगी, मतलब चलेगी सही बट बहुत ज़्यादा धचके देके चलेगी। ये तीनों चीज़ें इसकी प्रॉब्लम है गाइस, और यही चीज़ें बेकार हैं। और गाइस, मैं इसकी प्रॉफिट की बात करूँ यानी कि अच्छाइयाँ, तो गाइस इसमें ये है, जो लोग बोलते हैं ना कि RS बहुत पतली सी है, ये वो फलाना डिमकाना, तो गाइस एक होता है फ़ोटो में और एक होता है रियल में। मैं तो चलाता हूँ, मुझे तो पता है गाइस, बहुत ही प्यारी बाइक है इसके कंपैरिजन में 200cc में, और कोई बाइक नहीं मानता मैं तो, मुझे तो ये सबसे प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और गाइस, इसकी जो दूसरी चीज़ है वो है गाइस इसकी हैंडलिंग, मतलब RS जैसी हैंडलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको RC में भी नहीं मिलेगी, R15 में भी नहीं मिलेगी। अगर गाइस आपके पास RS है और आप एक RS ओनर हो तो आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे कि इसको चलाते वक्त ना अपनी बैकबोन बिल्कुल सीधी रहती है, बैकबोन टेढ़ी नहीं होती है, फिर हैंड वगैरह अपने ऐसे ऐसे मुड़ते नहीं है, बिल्कुल सीधे रहते हैं। और गाइस, ये जो R15 में और RC में है ना, RC 200 में KTM की, तो गाइस उसमें ना अपनी बैकबोन टेढ़ी होती है, वो चीज़ नुकसान देती है, बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, उनमें बैकबोन टेढ़ी होती है अपनी, और उसमें हैंडल भी थोड़े हैं ना, मतलब ऐसे है, झुक के रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से कई लोगों के प्रॉब्लम्स वगैरह भी होती है। लेकिन गाइस RS में ये चीज़ नहीं है, RS में चीज़ बहुत बढ़िया है, इसकी हैंडलिंग बहुत ही प्यारी है। और गाइस, इसके माइलेज का बात करें अपन, सेकंड प्रॉफिट चीज़, तो ना अगर आप लोगों के हाथ में डिफ़ॉल्ट पीस नहीं आया,
मतलब बजाज के होते हैं गाइस, कई के डिफॉल्ट पीस होते हैं। अगर आपके हाथ में डिफॉल्ट पीस नहीं आया तो गाइस आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ही प्यारी चीज़ है। मेरे हाथ में तो मैं तो ये मानता हूँ डिफॉल्ट पीस नहीं है जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि गाइस मेरी वाली बाइक बहुत अच्छा माइलेज दे रही है। अभी इसको अगर मैं अपने यहाँ पे नॉर्मल सिटी वगैरह में राइड करता हूँ तो गाइस आराम से 32-34 का माइलेज दे देती है। बहुत लोगों की बाइक नहीं दे रही बट ये दे रही है। और गाइस हाईवे पे ना ये 37-38 का माइलेज निकाल देती है, आराम से निकाल देती है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अभी तक वैसे मैंने कोई ट्रिप मारी नहीं है हाईवे पे, और मैंने इसे गाइस टेस्ट ड्राइव वगैरह की है तो हाईवे पे मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया इसकी। दूसरी चीज़ की ये हो गई अपने माइलेज की हो गई, और गाइस इसकी लुक की बात करें तो इसके ऐसा लुक तो कहीं पे भी नहीं है, किसी भी बाइक में नहीं है, किसी को भी इसके कंपैरिजन में खड़ा कर लो गाइस किसी में भी ऐसा लुक नहीं मिलेगा आप लोगों को। RS इज़ द बेस्ट गाइस। अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग शुरू करनी है तो आप लोग एक RS 200 परचेज करो, उससे ब्लॉगिंग शुरू करो गाइस। बजाज की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक ये है। और गाइस इसकी जो तीसरी प्रॉफिट चीज़ है वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, वो तो आप लोग सब जने जानते ही हो। पहले इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। और गाइस इसकी देखो, इसकी यहाँ पे ना मैंने ये टेप लगा रखी है, इससे मेरे शूज़ अगर ख़राब ना हो, वाइट शूज़। ब्लैक तो कोई बात नहीं, ब्लैक का पता नहीं चलता। देखो अभी ये न्यूट्रल हो गई, अभी गाड़ी ऑन करते हैं। ये देखो गाइस, ये तो स्टॉक एग्जॉस्ट है और अभी तो बाइक खड़ी है, मैंने इसको चलाया भी नहीं है, बिल्कुल खड़ी है। तो ये तगड़ी आवाज़ आ रही है ना, देखो सुनो यार क्या आवाज़ है यार, क्या मस्त चीज़ है। और गाइस यही अगर आप लोग R15 में ले लो ना तो गाइस प्लेटिना जैसी आवाज़ आती है, बजाज की जो प्लेटिना है ना वैसी आवाज़ आती है उसके स्टॉक एग्जॉस्ट में। बाकी गाइस जो जो R15 लवर है वो लोग बुरा मत मानना, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ, ओके। तो प्लीज़ बुरा मत मानना। और जो RS लवर है गाइस वो सब कमेंट करके बताना कि मैंने सच बोला है, झूठ RS के बारे में जो जो बातें बोली, R15 वाली बात को इग्नोर करके, ओके। RS वाले सब मेरे को बताना कि गाइस मैंने सही चीज़ बोली ना। और गाइस लुक की बात करें ना तो यार बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्यारा लुक है। और जब से मैंने इसके ये लगवाया है ना इस पर अपना ये, मैं भूल गया इसका नाम, तो गाइस जब से मैंने ये लगवाया ना फ्रंट वाइज़र, हाँ याद आ गया, जब से मैंने फ्रंट वाइज़र लगाया ना गाइस बहुत ही प्यारी, बहुत ही सेक्सी सा लुक दे रही है यार, ये बहुत ही प्यारी लगती है। और गाइस इसकी जो लाइट्स है ना ये देखो, भले एंजल लाइट एक में लगी है पर गाइस बहुत ही प्यारी लग रही है, ये एक ही बहुत प्यारी लग रही है। और गाइस इसमें बैटरी इशू, मेरी पहले वीडियो जिसने नहीं देखी वो लोग जाके देखना, इसमें जो बैटरी इशू आ रहा है ना वो मैं समझ गया किस वजह से आ रहा है। वो ना जो मैंने एंजल लाइट्स लगवाई है ना गाइस, एक हटा दी थी, ये देखो उसके थोड़े थोड़े निशान रह गए, एक ना हटा दी थी, जिस वजह से ना इसके अंदर जो वायरिंग्स है ना गाइस उसमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर हो गई तो इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है अपनी बैटरी पर, क्योंकि इसमें हज़ार भी लगा हुआ है, मुझे पता नहीं वो कैसे क्या चल रहा है हज़ार भी, इस वजह से इसकी बैटरी में प्रॉब्लम्स आ रही है। और मडगार्ड हटाने के बाद इसका लुक और भी अच्छा हो गया। तो गाइस आप सब लोग कमेंट करके बताना कि मैंने सच कहा या झूठ RS 200 के बारे में। तो गाइस जो जो RS लवर है वो सब मेरे को कमेंट करके बताओ। गाइस मेरी बाइक तो बहुत ही प्यारा माइलेज दे रही है, बजाज की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है गाइस ये, अगर इससे रेस भी करें ना अभी की जो बाइक सारी है गाइस, वो एक बार के लिए ना डोमिनार 400 को भी पीछे छोड़ सकती है, बहुत इजीली छोड़ सकती है हाईवे पे, मतलब सिटी में बात नहीं कर रहा मैं, हाईवे की बात कर रहा हूँ, आराम से पीछे छोड़ सकती है। बाकी तो गाइस आप सब लोग कमेंट करना, ओके, कमेंट करके बताना आपको हमारी RS यानी कि हमारी तबाही कैसी लग रही है। बाकी मिलते हैं अगले ऐसे किसी मस्त से प्यारे से व्लॉग में। और गाइस यही था हमारा फर्स्ट ईयर, यानी कि 5 अप्रैल को हो गया था फर्स्ट ईयर, बट मैं वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ, फर्स्ट ईयर रियल ओनरशिप, जेन्युइन ओनरशिप, ओके। तो तब तक की मिलते हैं अगले ऐसे किसी मस्त से प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश मस्त खाते पीते रहो, बाय बाय गाइस, बाय।